हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम सीखेंगे कैसे कि यूआई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले विदाउट एनी टाइम डिले लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम फोटोशॉप खोल लेते हैं। खोलने के बाद न्यू कॉम्पिटिशन खोल लेंगे, इसका कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे मैं इसमें दे देता हूँ प्यूमा यूआई, और इसको फिर विड्थ हाइट दे रखेंगे। हर एक जितने भी मैं वो फोटोशॉप बनाता हूँ सब में सेम रहता है मेरा, आप देख लीजिएगा। फिर एक फोटो पीएनजी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, इसका थोड़ा साइज देख लेंगे। ये ठीक है, टिल्ट कर लिया। उसके बाद बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है मेरे को। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए कॉम्पोजिशन सेटिंग लेयर स्टाइल में जाके कलर ओवरले पे जाके मैं इसका थोड़ा येलो येलो रखूँगा, लाइट येलो बस। ठीक है, उसके बाद मैं एक शेप लेता हूँ स्क्वायर, ये स्क्वायर। उसके बाद इसका मैं कलर रख लूँगा डार्क डार्क येलो, थोड़ा सा डार्क। एक सेकेंड, इसको थोड़ा साइड हटा दूँ, कुछ से ये रहा। इसको मैं डार्क येलो रखूँगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा एजेस को मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। इसको फिर मैं इसके पीछे प्लेस कर दूंगा, शूज़ के पीछे। ये थोड़ा टिल्ट करके ये मैंने पीछे कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा इधर, हाँ ठीक है। उसके बाद मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा, इसमें मैं लिखूँगा एक रहेगा प्यूमा मैन वुमेन और किड्स रहते हैं। तो मैं पहले कोई भी प्रीसेट सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब लिखूँगा मैन, इसका थोड़ा साइज सही कर लेता हूँ तो थोड़ा, ये ठीक है। उसके बाद कलर एकदम ब्लैक, इसको मैं इधर पे प्लेस कर देता हूँ। इसकी डिस्टेंस से वर्ड्स के बीच की कम कर दूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ठीक है। इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, इसके इसके सामने वुमेन वुमेन लिख लूँगा इसमें। वुमेन लिख लिया मैंने। इसके बाद एक बार बार मैं वही कॉपी कर लूँगा, फिर इसमें लिख दूँगा किड्स, ये भी ठीक है। उसके बाद मैं फ़ोटो एक इम्पोर्ट कर लूँगा प्यूमा की पीएनजी फाइल, आप भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें इस वीडियो को, इससे और भी लोग सीख सकें। उसके बाद हम किड्स को थोड़ा सा आइडियाज, किड्स सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल रखेंगे, बाकी सब नॉर्मल। मैन में भी एम कैपिटल, बाकी नॉर्मल। उसके बाद मैं थोड़ी डिस्टेंसिंग कम कर दूँ वर्ड्स के बीच की, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा अपनी मस्से दूर रख दूँ मैं, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एक लाइन ऐड करेंगे, लाइन शेप्स मिलता है वो लाइन, इधर पे जाके एरी लाइन, लाइन ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा हल्का सा, और इसको थोड़ा सा और ये इसका कलर मैं हल्का ग्रे रखूंगा क्योंकि डार्क अच्छा नहीं लग रहा ज़्यादा। इसको मैं नीचे रख दूंगा गिर के,
येलो वाले के ऊपर। ऐसा ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूँ क्योंकि अच्छा है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, हल्का सा नीचे करूँगा मैं। उसके बाद इसको वापस वैसे ऊपर, फिर जो वर्ड्स लिखे हुए उनको भी सही से एडजस्ट कर दूँ, शेप इधर कर दूँ। हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा अलग टाइप का शेप दे देता हूँ। कंट्रोल होल्ड करके आप इसको कहीं भी फ्रीली ऐसा कुछ भी शेप दे सकते हैं। अब अच्छा लग रहा है। ये इनवर्ट्स को भी थोड़ा मैं नीचे कर दूँ, सेंटर में आ जाए। इसको भी थोड़ा सा बस ठीक है, थोड़ा और दूर कर देता हूँ। मैन भी मैन ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ। ये ठीक है। इसको भी डुप्लीकेट कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन इन, साइन इन, साइन अप लिख दूँगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा मैं, इधर कर दूँगा थोड़ा सा, टॉप राइट कॉर्नर पे, दोनों एक पे लेफ्ट पे। फिर ये बैक का PNG मैं सेव कर रखा हूँ, इसको भी मैं इधर इम्पोर्ट कर लूँगा, थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ये ठीक रहेगा भाई। सर्च का भी मैंने PNG एक सेव कर रखा था, वैसे आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं, बट मैंने जल्दी जल्दी मैंने डाउनलोड कर लिया। इसको भी मैं इसी के साथ में अलाइन कर दूंगा। ये सही है। मैं इसमें बढ़िया से प्रीसेट लगा दूंगा, फॉन्ट इसको थोड़ा हल्का ही रखेंगे, थोड़ी डिम साइज बड़ा कर देंगे स्क्रीन में, ना ठीक रहेगा। उसके बाद एक और टेक्स्ट ऐड करूंगा, इसमें लिखूंगा इसका थोड़ा प्रीसेट क्वालिटी कर लूँ, बोल्ड रहेगा पहले स्टार्टिंग का वर्ड मैन, उसके बाद एंड पतला रहेगा, तो पतला फिर से वापस वही बेसिक वाला थिन मैन, वाइट एंड ब्लैक। उसके बाद स्नीकर्स अपना जो रहेगा वो डार्क फिर से हो जाएगा।
ब्लैक कलर स्नीकर्स। इसको मैं डार्क कर दूंगा। ये ठीक है, इसका भी मैं स्केल बड़ा कर दूंगा, थोड़ा हल्का सा पास में कर दूंगा सारे। इसको मैं इसके नीचे मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद स्नीकर्स जो अपनी जो फीमेल इश्यूज है इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा मैं। ये टेक्स्ट लेयर को मैं इस जस्ट इसके नीचे कर दूंगा, पहले डुप्लीकेट कर लूंगा, फिर फिल 0 कर दूंगा, फिर एक स्ट्रोक ऐड करूंगा। इसको थोड़ा ग्रेडियंट स्ट्रोक को आप कस्टम करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा चीज़ है। ये ठीक रहेगा। ओके, इसको घुमा दूंगा मैं 0 डिग्रीज पे। इसके बाद टेक्स्ट को मैं नीचे रख दूंगा, जो मेन जिसमें फिल मैंने 0 नहीं किया वो वाले को, और उसके ऊपर ऊपर वाले को ऊपर रखूंगा शूज के, इसे काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा लगे। इसको मैं काट दूंगा स्टार्टिंग के वर्ड्स। ये ठीक है, इसको मैं आगे फिर से ले जाऊंगा। अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं जूते में शेडो ऐड करूंगा, ड्रॉप शेडो। इसके स्ट्रोक का कलर मैं वापस से थोड़ा सेट कर दूं, येलो रहने देता हूँ, पूरा कलर अच्छा रहेगा फिर। अब ठीक है, इसके आगे टेक्स्ट एक और ऐड कर देता हूँ, इसकी थोड़ी डिटेल्स लिख देता हूँ, जैसे कि 100%। जैसे पहले मैं टेक्स्ट का वो फॉन्ट एक थोड़ा सिंपल ले लूँ, पतला रहेगा इस बार, थोड़ा पतला रहेगा फॉन्ट। 100% ओरिजिनल, हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसिंग बढ़ा दूंगा, हल्का हल्का दूर दूर। ये ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऑपेसिटी कम कर दूंगा। उसके बाद एक और टेक्स्ट ऐड करूंगा, इसका नाम है, इसको मैं COD अवेलेबल लिख दूंगा। मैं पीछे मिंत्रा पे प्यूमा का शूज़ खोल रखा है, उसमें इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, वही देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा। आप भी कहीं से भी खोल सकते हैं, इसके ऑफिशियल साइट पे भी खोल सकते हैं। बाद 30 डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज। ये ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अपोसिटी भी कम कर देता हूँ। फिर एक और टेक्स्ट ऐड करता हूँ मैं, गाइस आगे का भी प्रोसीजर सेम रहेगा, थोड़ा सा आप
बोर हो रहे हो तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से एस्केप कीजिए। इसका रेट लिख दूंगा जो भी रेट है। फिर से टेक्स्ट का मैं थोड़ा बोल्ड रखूंगा, थोड़ा सा हल्का सा बोल्ड, इतना ठीक है। इसके बाद मैं सर्च वाला ऑप्शन बनाऊंगा, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का, इसको फिल रख दूंगा पूरा ब्लैक। उसके बाद इसमें मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट। इसको पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस जे इसका शॉर्टकट है डुप्लीकेट का। इसको फिल कर दूंगा नन, स्ट्रोक कर दूंगा ब्लैक। उसके बाद इस पर लिखूंगा ऐड टू कार्ट, इसको ऐड टू कार्ट।